सात बार हनुमान चालीसा का पाठ व प्रसाद किया गया वितरित। आपको बता दें, सहारनपुर के नवाबगंज चौक पर सात बार हनुमान चालीसा का पाठ वनवासी छात्रों के साथ नीरू सिंह ने मिलकर किया। श्रीमती नेहा की ओर से प्रसाद वितरण किया गया और एक दिव्यांग बहन श्रीमती संगीता को एक सूट भी भेंट किया गया, जिसमें श्रीमती नेहा, निशा गर्ग, मंजू त्यागी, दीपा, गीता शर्मा, स्नेहा गांधी, ममता जी, डिंपल, स्वीटी, नीरू सिंह, संगीता, विपिन सिंघल, राजकुमार उपस्थित रहे। बड़ा मंदिर श्री जमुनादास श्री बागेश्वर चौक सहारनपुर में वनवासी कल्याण आश्रम के सहयोग से हनुमान चालीसा पाठ एवं सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी बहन नीरू जी ने अपनी महिला समिति के साथ सहयोग किया। और ये हर मंगलवार को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 8:30 बजे तक कीर्तन चलता रहता है। और भी मंदिरों में ये प्रयास किए गए जा रहे हैं कि 6:30 से 8:30 तक एक घंटा हनुमान चालीसा कीर्तन अनवरत चलता रहे और सात बार पाठ हम करेंगे, जिससे हमें हनुमान जी की कृपा से सभी को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सबके दुख दर्द दूर होंगे। धन्यवाद। दिन दहाड़े तमंचे की नौक पर गैस एजेंसी से लाखों रुपए की लूट, एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। आपको बता दे, बदमाश पुलिस के सर चढ़कर बोलने की हिम्मत करने लगे हैं। नगर के अति व्यस्ततम चौराहे पर स्थित गैस एजेंसी ऑफिस से दिन दहाड़े दो बदमाश तमंचे की नौक पर लाखों रुपए की नकदी ले उड़े। सूचना पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर पीड़ित को खुलासे का भरोसा दिया तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। जी हाँ, 4:30 बजे दोपहर में सूचना मिली है कि वहाँ पे रामपुर कस्बे में ही एक गैस एजेंसी है, जिसमें दो लोगों ने जाकर घुसकर वहाँ पर कुछ 2 से 2.5 लाख के बीच में कैश की लूट करी है। तो घटना में जैसे ही सूचना मिलती है वहाँ पुलिस पहुँचती है और सीसीटीवी फुटेजेस कुछ हमें प्राप्त हुई हैं, कुछ हम सर्विलेंस का प्रयोग करते हुए भी और मैनुअल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ही इसमें हम इनको जो दो लुटेरे हैं उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो गैस एजेंसी का मालिक था उससे तहरीर प्राप्त कर ली गई और उनका मालिक आया जा रहा है। कितने लोग थे, क्या कुछ? इसमें दो लोग दिख रहे हैं, दो लोगों ने अपना जो फेस है वो कवर किया हुआ मास्क से भी और हेलमेट से भी, और एक मोटरसाइकिल है जिसमें ये जाते हुए दिख रहे हैं। देवबंद में अवैध कॉलोनी पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, नक्शा पास कराए बिना काटी गई थी कॉलोनी। आपको बता दे, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कार्यवाही की है। प्रशासन की टीम ने सापला रोड पर बिना नक्शा पास कराए बनाई गई कॉलोनी में हुए निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। SDM संजीव कुमार टीम के साथ देवबंद सापला मार्ग पहुंचे और वहां बन रही कॉलोनी में प्लाट काटकर बनाई गई चार दीवारी समेत अन्य निर्माण कार्य को बुलडोजर से ध्वस्त कराया तथा संबंधित जानकारी दी। देवबंद विनिमय क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनियां हैं, जो कहीं से अप्रूव नहीं है, जो कहीं से पास नहीं है, उन पे हम लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। ये कॉलोनियां अप्रूव ना होने की वजह से इससे लोग गुमराह होते हैं, अननेसेसरी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होता है और लोग गुमराह होकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। तो हम ये लगातार अभियान चला रहे हैं, 3 पे हमने कल कार्रवाई की थी और आज ये पहली पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम कार्रवाई लगातार करते रहे। धन्यवाद। नवीन नगर स्थित शिव मंदिर में भारतीय मानव जागृति संगठन द्वारा मनाया गया प्रथम वार्षिक उत्सव। दी जानकारी। आपको बता दे, नवीन नगर स्थित शिव मंदिर में भारतीय मानव जागृति संगठन द्वारा प्रथम वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सभी राष्ट्रीय मंडल, जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय मानव जागृति संगठन के वार्षिकोत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी एसोसिएट्स एवं नोडल अधिकारी JP सिंह और समाज सेवी अल्पना तलवार पहुंची तथा संबंधित जानकारी दी। और आज क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम अशोक कुंडी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन। आज हमारा पहला स्थापना दिवस है, आज हमारे संगठन को पूरा 1 वर्ष हो गया
भोलेनाथ की कृपा से पिछली बार सावन मास में कावड़ियों की सेवा करते हुए हमने शुरुआत की थी, और अभी भी कुछ दिन पहले ही आप सबको मालूम है कि शिवरात्रि का पर्व रहा, तो उससे पहले भी हमने 8 दिन कैंप लगाया था, और भोलेनाथ की कृपा से आज हमें 1 साल हुआ और उसी के उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम रखा। आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह थे, वो हमारे यहाँ पे खाद एंड रसद औषधि के चीफ हैं जिले के। दूसरे सरकारी आवास के चेयरमैन थे रणवीर सिंह, जो देहरादून से स्पेशली आज हमारे प्रोग्राम के लिए आए हैं। और तीसरी हमारी यहाँ की आप सभी लोग जानते होंगे अल्पना तलवार जी, बहुत बड़ी समाजसेवी हैं, पुराने काफ़ी समय से बीमार थी, लेकिन आज हमारे अनुरोध पर वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। नई टीम का गठन भी किया गया। हाँ, आज हमारी थोड़ी सी एक महिला प्रकोष्ठ में 2 मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, थोड़ा सा बीमारी की वजह से मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष समय ना दे पाने की वजह से उन दोनों को वो इकाई भंग कर दी गई थी। नई जिला अध्यक्ष गुरदीप कौर जी और अनिता मल्होत्रा, वो मंडल अध्यक्ष दोनों नियुक्त किए गए। पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जनपद के समस्त बैंकों के मुख्य शाखा प्रबंधकों व प्रबंधकों के साथ की गई गोष्ठी। आपको बता दे, पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक द्वारा जनपद के समस्त बैंकों के मुख्य शाखा प्रबंधकों के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार में गोष्ठी की गई। गोष्ठी में शासन की मंशा के अनुरूप मुख्यालय द्वारा संचालित योजनाओं, ऑपरेशन दृष्टि व सेफ सिटी परियोजना के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बैंकों की सुरक्षा एवं अन्य विषयों के संबंध में सुझाव लिए गए और बैंकों में सुरक्षा गार्ड, ATM में लगे CCTV कैमरे आदि सुरक्षा संबंधी विषयों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना सदर बाजार पुलिस ने लूट की घटना में वांछित एक शातिर अभियुक्त को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने लूट की घटना में वांछित अभियुक्त शुभम पुत्र संजय को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शशांक गिरी, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव, हेड कांस्टेबल सचिन मौजूद रहे। चक्राता रोड स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दी जानकारी आपको बता दे, चक्राता रोड स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के सैकड़ों पदाधिकारियों ने निजी स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर DIOS योगराज सिंह का घेराव करते हुए 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के नाम जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक का घेराव किया गया और जिला डायरेक्टर ने कहा कि आपने निरीक्षक साहब या साहब अब जो हमारे बेसिक स्कूलों में गए हैं वो अवैधानिक तरीके से गए, उसमें BSO जाना चाहिए था, हमारा इसका कड़ा विरोध है, आप जो है आइंदा जो है हमारे बेसिक के स्कूलों में नहीं जाएंगे। दूसरा, सरकार की जो ये है कि एक निरीक्षण कर मान्यता दी जाती है स्कूलों की और वो बिल्डिंग का निरीक्षण का, वो हर साल बिल्डिंग का निरीक्षण की बात करें तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ा जाए, कोई एक ईंट निकलती न्यूज़ों से और बढ़ा जाता है, उसका जो विकास ही होता होगा स्कूल में, जिस स्कूल बढ़ेगा है तो उसका बार बार निरीक्षण ये बंद होने चाहिए। हमारी 16 सूत्रीय मांग थी सर, इससे आपका जो है हमने ये कहा कि इनके स्कूलों में संख्या घट रही है, इसलिए हम निरीक्षण के स्कूल पर, अरे जुलाई के महीने में निरीक्षण क्यों होता है जब एडमिशन का टाइम है, उसी टाइम पर ड्रामा होता है। और एक नहीं है, मैं 30 सालों से लगातार देख रहा करूँ क्योंकि इनकी आसंख्या नहीं होती बच्चों की, और उसे करके ड्रामा करके मीडिया में छपा कर तो उसके बाद जो वो संख्या बढ़ाने का इनका मंत्र है, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस सरकार द्वारा ज्ञापन था उस पर भी अमल नहीं हुआ तो हम पूरा आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे और विद्यालय निरीक्षक कर इनका जो है तो बंधक बनाया जाएगा। आज यहाँ घेराव किया गया था, उसके बाद दोबारा से फैसले हस्तांतरित किए गए, तो ये हमारा चेतावनी ही अल्टीमेटम रहा है। घंटा घर निकट सतयुग आश्रम मॉडल इंटर कॉलेज के सामने ढमोला नदी पुल पर
कांच से भरा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दे, घंटाघर निकट सतयुग आश्रम मॉडल इंटर कॉलेज के सामने ढमोला नदी पुल पर कांच से भरा ट्रक पलट गया। मिली जानकारी के अनुसार रात्रि में अंधेरा होने के चलते ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और डिवाइडर पर चढ़ जाने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत यह रही कि उस समय वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया, तो वहीं ट्रक में भरा हुआ कांच सड़क पर बिखर गया। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाओं का तीसरे दिन वेतन पूरा ना मिलने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। दी जानकारी आपको बता दे, कई दिनों पहले आशाओं द्वारा वेतन पूरा ना मिलने को लेकर धरना दिया गया था, जिसके बाद भूख हड़ताल भी की गई थी एवं सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक द्वारा उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन उनको दिया गया था, जिसके बाद आशाओं ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी आशाओं का पूरा वेतन अभी तक भी आशाओं को नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर वह दोबारा से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं और आज तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। आज धरने को कौन सा दिन है, क्या मांगे? आज दोबारा अनिश्चितकालीन धरने को तीसरा दिन है और मांग तो हमारी जो कितनी है, जितनी आशाएं संघनिया है पूरे जिले की, इनका एक एक पैसा जाने का काम हो। सीएमओ साहब के द्वारा कल कहा गया 70% पैसे चले गए, 30% रुके हुए हैं, हम उन्हीं की बात को ऊंची करते हैं। आज से जब पहले 15 दिन पहले यहाँ धरने पर आए थे सीएमओ साहब, तो उन्होंने कहा था 95% पैसा चला गया, 5% बाकी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी अधिकारियों से कि 3.5 या 4 करोड़ रुपए जो अभी ताजे डाले इन लोगों ने, जब 5% रुक रहे थे, 4 करोड़ कहाँ से आ गए? आपने 4 करोड़ डालने काम किया, लगभग 75 या 80 लाख कल शाम डालने का काम किया, अभी और कह रहे हैं डाल लेंगे हम, तो जब पैसा नहीं तो डाल कहाँ से रहे हो? इसको कहीं ना कहीं साफ है कि 3 अधिकारी खाली ब्रजेश और शुक्ला को बचाने का प्रबंध है, कहीं ना कहीं उन दोनों को बचाने के लिए बार बार कह दिया 5% रह रहा है, लखनऊ से रह रहा है। हमने कल जब 2.5 घंटे की वार्ता चली, हमने साफ तौर पर अधिकारियों से कहा कि अगर लखनऊ की तरफ बकाया है, यानी हमारी सरकार की तरफ कहीं ना कहीं रुका हुआ है इनका मानदेय, तो आप लिख के देने काम करो, हम अभी धरना छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। तो यार सरकार पर किसी कारण से भी नहीं आया तो आ जाएगा, लेकिन जब पैसा आपके पास आया हुआ है, बंदरबाट आपने के रखी है, तो आप किस हिसाब से कहना चाहते हैं कि पैसा लखनऊ रुका हुआ है? और साफ है 95% ने 5 बताते थे हमारा, अब 5 करोड़ आप डाल भी चुके हैं, हम अब भी ये कह रहे हैं कम से कम 70% पैसा हमारा रुका हुआ है, और जब तक नहीं देंगे इस बार ना तो आश्वासन मानने काम करेंगे, जान जा सकती है लेकिन उठने का काम नहीं करेंगे। गांव कबारी के पास सीयमुना नदी में मिला पैर फिसलने से डूबे बिजली विभाग के अवर अभियंता का शव, एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दे, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कबारी गांव के पास सीयमुना नदी में पैर फिसलने से डूबे बिजली विभाग के अवर अभियंता का शव मिला है। पिछले दिनों तेज बरसात के कारण यमुना नदी अपने उफान पर थी, उसी समय बिजली की लाइन चेक करने गए अवर अभियंता प्रमोद कुमार 19 जुलाई को आहलनपुर घाट पर पैर फिसलने के कारण यमुना नदी में बह गए थे। तभी से एनडीआरएफ सहित कई टीमें उनकी तलाश कर रही थी, जिनका शव कबारी गांव के पास यमुना नदी में मिला है, जिसको लेकर एसपी सिटी ने संबंधित जानकारी दी। जी हाँ, कुछ दिनों पूर्व जो हमारे जई साहब जो चिलकाना थाना क्षेत्र में सरकारी कार्य कर रहे थे और वो डूब गए थे, उनकी आज बॉडी मिलने की सूचना मिली है। ये हरियाणा यमुनानगर जिले के फवारी गांव, वहाँ पे बॉडी मिली है। चिलकाना के जो थाना प्रभारी हैं और बाकी अन्य थाना प्रभारी वहाँ पे मौके पहुँच गए हैं सहारनपुर के, और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई, परिजन भी मौके पर आ गए हैं। शिनाख्ती कार्रवाई चल रही है, आगे जो भी सूचना मिलेगी और जो भी आगे विधि कार्रवाई होगी इससे आपको अवगत करा दिया जाएगा।